रेजिस्टेंस बैंड में ये ऐसा एक पूरा लूप होता है, यू नो, यहाँ पे कोई एंड्स नहीं है, ये एक पूरा लूप होता है। वेर एज रेजिस्टेंस ट्यूब्स में जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे दो हैंडल्स होते हैं ताकि आप इस पे बेसिकली हैंडल्स लगा के वर्कआउट कर सके। ये बेसिकली जिम में आपके जो केबल अटैचमेंट्स होते हैं उसका रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इससे आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ऐसे चेस्ट प्रेस करना है या फिर कोई भी पुली का मशीन का एक्सरसाइज करना है वो आप इससे कर सकते हैं। अभी जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस बैंड, नॉट अ रेजिस्टेंस ट्यूब। एंड रेजिस्टेंस ट्यूब की तरह मैंने सेम चीज़ किया है कि बेसिकली इस एंड पे मैंने ऐसे कैरेबिनर लगा दिया और उस पे ऐसे हैंडल्स अटैच कर दिए। और अगर आप ऐसा कर देते हैं देन रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी आप ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज आप रेजिस्टेंस ट्यूब के साथ कर सकते हैं वही अगर आप ऐसा एक सेटअप कर ले, कुछ हैंडल्स खरीद ले और दो कैरेबिनर खरीद ले फ्रॉम अमेजोन, सेम चीज़ रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी कर सकते हैं।